हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात बता दूं कि आपको इसमें हम लोग सिर्फ वही पढ़ने की कोशिश करेंगे जो सिलेबस में मेंशन है उसके रिलेटेड। बहुत ये लेंदी चैप्टर है लेकिन हम पूरा मतलब उसको लेंदी नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और आप उसको याद भी नहीं कर सकते हैं। और सब्जेक्ट भी इस बार 6 हैं, पिछली बार मतलब फर्स्ट ईयर में 5 थे, सेकंड ईयर में 6 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये टॉपिक हॉस्पिटल, इसका डेफिनेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर मान लीजिए हॉस्पिटल क्या है। तो हॉस्पिटल इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल क्या है? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई हों। समझ में आ रही बात? अगर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अलग अलग फैकल्टीज़ मिली हुई हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वो भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो इसमें अलग अलग चीज़ें रहती है, जैसे कि मान लीजिए उसमें इमरजेंसी वार्ड है, इनपुट क्या कहते हैं OPD है, ऐसे ही क्या कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी है, तो कई सारी चीज़ें उसमें हैं। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक, इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड वेल एजुकेटेड स्टाफ एंड स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। तो अब ये हॉस्पिटल क्या करता है, इसका काम क्या है? तो ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी लोगों को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य करने के लिए सर्विसेज देता है, अपनी सेवाएं देता है। अब उसके लिए वो क्या, किनकी हेल्प लेता है? तो वो ट्रेंड और अच्छे से पढ़े लिखे लोग, यानी जिन्होंने ट्रेनिंग भी की है और पढ़े भी हैं अच्छे से, ऐसे स्टाफ की हेल्प से, उनकी मदद से वो क्या करता है, काम करता है, लोगों को स्वास्थ्य दिलाने की कोशिश करता है। और किसके हेल्प से? स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और बहुत सारे क्या हैं जो नए नए मशीनें बन के आई हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मदद लेके वो क्या करता है, काम करता है हॉस्पिटल। ठीक, असल जो हमको पढ़ना है इसमें टॉपिक हमारा क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या है असल टॉपिक हमको जो पढ़ना है, वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आप जानते होंगे फार्मेसी क्या होता है, चूँकि कम्युनिटी फार्मेसी मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया इसके बारे में, 2-3 चैप्टर हो चुके हैं। तो फार्मेसी जहाँ पे दवाएं वगैरह हैं, जिसको स्टोर किया जाता है, वहाँ से डिस्पेंस किया जाता है, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यही आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे से क्या होते हैं, फार्मेसी होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, तो वही क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। तो हॉस्पिटल फार्मेसी भी क्या है, एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी कह सकते हैं कि एक ब्रांच है उसका, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर का। इन विच मेडिसिन स्टोरिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग आर परफॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, मेडिसिन को स्टोर किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है और डिस्पेंस किया जाता है। कंपाउंड करने का अभी इतना ज़माना नहीं रहा, पहले ये ज़्यादा होता था कि केमिकल्स रखे रहते थे, फिर डॉक्टर जैसा कहता था कि कौन सा केमिकल्स या कौन सा पाउडर कितना मिला के कोई दवा नहीं बनानी है, तो वो काम ज़्यादा होता था। लेकिन अब ये सब का रिवाज बहुत कम रह गया, अब तो बनी बनाई दवाएँ हैं उनको दे देना है। ठीक, और डिस्पेंसिंग करना यानी वही दवाओं को निकाल के देना। आर परफॉर्म्ड, ये सब काम होते हैं इसमें। एंड मेडिकल डिवाइसेज एंड एडवाइसेज आर प्रोवाइडेड। और इसमें कुछ जो मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर या और भी जगहों पे जो मेडिकल डिवाइसेज यानी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो यूज़ होने वाली डिवाइसेज हैं, तो वो मेडिकल डिवाइसेज भी क्या होती हैं, यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, बेचे जाते हैं। और क्या होता है, यहाँ से ड्रग्स रिलेशन इंफॉर्मेशन दी जाती है पेशेंट को, ताकि वो दवा को क्या सेफ़ तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से क्या करे, यूज़ कर सके। अब स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ये समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देता ही देता है हर सब्जेक्ट में, ये पास करने के लिए टॉपिक होता है कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, जैसे आपने पढ़ा होगा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऐसे ही ये टॉपिक जो है ये आता ही है, चाहे 1-2 नंबर का दे दे, 3 नंबर का दे दे, 5 नंबर का दे दे, तो उसका डेफिनेशन और उसकी क्या स्कोप क्या है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स मतलब एग्ज़ाम में देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या है, तो देखते हैं कि क्या क्या मतलब इसका ये काम क्या करता है। तो इट इंस्पेक्ट्स यानी चेक दी मेडिकल आइटम्स आर रिसीव्ड एंड मेंटेन्स एन इन्वेंट्री रिकॉर्ड। ये क्या करता है, तो एक इसका काम ये कि इंस्पेक्ट करता है, यानी जो मेडिकल्स आइटम्स आते हैं यानी दवाएं वगैरह हैं या जो मेडिकल डिवाइसेस भी आ रहे हैं, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हैं जो फार्मेसी के अंदर आती हैं, तो उनको ऐसे ही नहीं रख लेता है, बल्कि ये क्या करने का काम करता है, चेक करने का काम करता है।
तो ये चूँकि असल फार्मेसी नहीं करेगा बल्कि इसके अंदर जो फार्मासिस्ट है वो काम करेगा। तो आप ये एक बात ध्यान रखिए, अगर वो फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पूछे या फार्मासिस्ट के बारे में पूछे, तो ये दोनों जो टॉपिक है ना, आप अगर फार्मेसी के बारे में बता रहे हैं तब भी समझिए कि बात फार्मासिस्ट की हो रही है, फार्मासिस्ट के बारे में अगर बता रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि बात किसके बारे में हो रही है, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, चूँकि ये दोनों से मिले जुले हैं, यानी बिना फार्मेसी के फार्मासिस्ट नहीं और बिना फार्मासिस्ट के फार्मेसी नहीं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तो दवाओं को चेक किया जाता है, यानी मेडिकल आइटम्स जो भी आते हैं जो रिसीव्ड होते हैं उनको चेक किया जाता है एंड मेंटेन एन इन्वेंट्री, और एक इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाता है। इन्वेंट्री मतलब ये कि जो दवाएं बेची जा रही हैं या ख़रीदी जा रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, वो इन्वेंट्री होता है। दूसरा क्या होता है, इस डिस्पेंस ड्रग्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू पेशेंट, आप ये कई बार पढ़ चुके हैं कि दवाओं को यहाँ से डिस्पेंस किया जाता है और भी दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। तीसरा क्या, इट हैज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ईच डिस्पेंस मेडिसिन, और जो भी दवाएँ यहाँ से डिस्पेंस हो रही है उसका क्या करता है, एक रिकॉर्ड रखता है किसको दी गई वो दवा। चौथा क्या, इट हैज़ ए रिकॉर्ड ऑफ नारकोटिक एंड अल्कोहलिक ड्रग्स रिसीव्ड एंड इश्यूड, ऐसे ही जो मतलब नारकोटिक दवाएँ होती हैं जो दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए अफीम वगैरह से बनती हैं, तो ऐसी दवाओं को और अल्कोहलिक ये सब मतलब ऐसी होती हैं कि जिसका आदमी को एडिक्शन हो जाता है जल्दी से, और बहुत सारे जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं वो इसी टाइप की दवाओं के आदि होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो वो यही इसी टाइप की ड्रग्स होती हैं, नारकोटिक होती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो दवाएं हैं जो आ रही हैं, तो उनके पास आई, कितनी आई और कितना वो इशू हुई, किसके पास गई कितनी, ये सारा रिकॉर्ड भी क्या करता है, ये फार्मेसिस्ट रखता है अपने पास। ठीक है, एक पॉइंट और क्या है कि इट मैन्युफैक्चर्स द ड्रग्स इन केस ऑफ शॉर्टेज एंड ड्रग अवेलेबल इन हाई कॉस्ट। ये कह रहे कि कभी ऐसा भी होता है कि जो मतलब दवाएं जो हैं मतलब बहुत शॉर्टेज हो गया, बहुत ज़्यादा दवा यूज़ हो गई या ख़राब हो गई, तो दवा को शॉर्टेज हो गया नहीं हो रहा, तो अब जो फार्मेसी है उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो क्या करे, दवा मैन्युफैक्चर करे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो उसको करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो लोग होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो मतलब चीफ फार्मासिस्ट होता है जो फार्मेसी को चला रहा है, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दवा अगर ज़रूरत पड़े तो बना भी सके। ठीक है, तो और या तो दवाओं का रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है, क्या दवाओं का रेट बहुत हाई कर दिया गया, मान लीजिए 100 रुपये की होनी चाहिए लेकिन उसको बेचा जा रहा है 500 में 400 में, तो उसके लिए भी क्या है भाई, अपनी दवा बना लो अपने घर में और यूज़ करो। ठीक, छठा पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द इलनेस एंड प्रोमोट्स हेल्थ। आपको मालूम है कि ये बीमारियों को ठीक करने, कम करने के लिए और हेल्थ को प्रोमोट करने के लिए भी, तो जैसे कि मान लीजिए जब दवा यहाँ से जाएगी तो फिर उसकी सेहत भी क्या होगी, ठीक होगी, तो ये बात भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही इट प्रोवाइड्स ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द हेल्थ केयर टीम एंड पेशेंट, और जो फार्मेसी है यहाँ से ड्रग्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है किसको, जो हेल्थ केयर टीम है जैसे नर्सेज वगैरह हैं या और भी जो लोग हैं जो मतलब दवा यहाँ से ले जाके यूज़ कर रहे हैं, तो उनको अभी इतना नॉलेज नहीं होता है जो दवा ख़रीदता है। जैसे कि मान लीजिए मैं दवा लेके आया यहाँ पे, सप्लाई किया, तो मैं उसको बताता हूँ भाई इस दवा की ये खासियत है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, इसका शेल्फ लाइफ क्या, जो भी ये सारी बात है वो उससे मतलब जो MR होता है जो जाके बताता है, तो वो किसको पता चलेगा, जो वहाँ पे फार्मासिस्ट है जो उससे बात किया, तो अब वो क्या करेगा, दूसरे लोगों को भी बताएगा कि ये दवा की ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है। ठीक, और किसको बताएगा, और पेशेंट को भी बताएगा कि मतलब तुम कैसे इसको यूज़ करोगे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, तो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, ये बताता है, डिलीवर करता है। आठवां क्या, इट हेल्प्स इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, और ये इसकी एक जिम्मेदारी ये भी होती है, बल्कि इसका एक स्कोप ये भी है कि ये क्या करता है, ड्रग की क्वालिटी को चेक करता है, इसी को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। अगर दवा ख़राब है तो उसको वापस कर देगा, अच्छी दवा लोगों तक पहुँचे और तब अच्छे से वो लोग क्या होंगे, ठीक होंगे, और साइड इफ़ेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी का मतलब क्या मेयार है, क्या मकाम है, क्या इस क्या कह सकते हैं पोजीशन है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। द फार्मासिस्ट आर द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड, जो कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट लोग हैं ये क्या है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर करने में इनके इनका जो ग्रुप है फार्मासिस्ट का वो तीसरे नंबर पे है, यानी ये बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मान लीजिए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और कोई, तीसरे नंबर पे हेल्थ प्रोवाइड करने वालों में किनका नंबर है, फार्मासिस्ट का। ठीक, और जब जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो क्या होगा, हॉस्पिटल फार्मेसी भी बढ़ेगा, इनको जगह भी चाहिए तो अपना फार्मेसी भी खोलेंगे ये लोग।
ठीक। तो यही बताया जा रहा है कि एंड अलोंग द ग्रोथ ऑफ फार्मासिस्ट, और जैसे जैसे फार्मासिस्ट बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज ऑल्सो ग्रोइंग स्टडी, और लगातार क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि लगातार लोगों की क्या है लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को क्या होती है ज़रूरत होती है दवाओं की, तो इस तरीके से भी क्या होगा इसका ग्रोथ हो रहा है दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से हॉस्पिटल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी का। और क्या है दूसरा पॉइंट, द मेन जॉब ऑफ फार्मासिस्ट इज टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्पेंस द ड्रग्स। जो फार्मासिस्ट का असल काम है वो क्या है कि दवाओं को मैन्युफैक्चर करना और उसको डिस्पेंस करना, लेकिन बट दिस रोल इज़ इवॉल्व्ड, लेकिन ये जो रोल था इनका वो क्या हो गया अब तरक्की कर चुका है, अब इतने पे ये लिमिट नहीं रह गया इनका, बल्कि और इससे आगे इनका मकाम बढ़ा दिया गया, इनकी पोजीशन इनकी हैसियत को थोड़ा और ऊपर कर दिया गया है। एंड नाउ दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द केयर ऑफ पेशेंट। अब ये लोग क्या करने लगे हैं पेशेंट को की बीमारियों को ठीक करने के लिए भी काम करने लगे हैं। यानी बहुत सारे देखते हैं फार्मा जो हॉस्पिटल में या क्या कहते हैं अपने फार्मेसी खोल रखी है तो वो लोग दवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे मतलब जो पेशेंट हैं वो ठीक हो रहे हैं इनकी वजह से, तो ये भी क्या कर रहे हैं एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं लोगों को स्वस्थ करने के लिए, ठीक। तीसरा क्या है, मैनी ऑफ कंट्रीज़ आर नॉट एक्सेप्टिंग द फार्मासिस्ट एज हेल्थ केयर टीम। अब भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर टीम में नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि ये अलग लोग हैं ये बीमारियों को ठीक करने के लिए इनका कोई रोल नहीं है, ठीक। ऑल्दो दे आर कैपेबल टू वर्क इन दिस फील्ड, हालांकि फार्मासिस्ट भी इस लायक हैं उनके अंदर वो एबिलिटीज़ होती हैं कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो मतलब इस तरीके से काम कर सकते हैं और कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी कंट्रीज़ में उनको इसकी परमिशन नहीं है। सिनेरियो में आपको यानी कि सिर्फ उसके बारे में लिखना है, सिनेरियो में आप उसकी क्या मतलब अभी पोजीशन है कहाँ पे लोग क्या उसको मान रहे हैं क्या वैल्यू दे रहे हैं वो सारी बात आप उसमें लिखेंगे, उसकी अच्छाई कहाँ पे लोगों को नज़र आ रही कहाँ पे उसकी क्या कमियाँ हैं सारी बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ तो मैंने 7-8 पॉइंट लिए हैं आप अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैज़ ए लिमिटेड रोल इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़। ये कह रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यानी जैसे कि यूरोप अमेरिका US, तो उन कंट्रीज़ में एक फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है बहुत ज़्यादा मकाम दिया जाता है, ठीक। लेकिन इंडिया के अंदर अभी वो क्या है वो पोजीशन वो वैल्यूज़ वो अथॉरिटीज़ उनको नहीं मिली है, यानी कि इनको काम को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया लिमिटेड अभी काम इनको दिया गया, इनको वो सारे पावर अभी नहीं मिले हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर फार्मासिस्ट को दिया गया है। और क्या है मैनी ऑफ कंट्रीज़ ग्रांटेड द फार्मासिस्ट टू प्रिस्क्राइब ड्रग फॉर पेशेंट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अब फार्मासिस्ट को ये ओहदा दे दिया है कि वो दवा जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, अब फार्मासिस्ट भी क्या कर सकते हैं ऐसे पर्ची लिख सकते हैं जाओ तुम दवा ले लो, मतलब डॉक्टर की तरह काम कर सकते हैं। और क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हॉस्पिटल टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। एक इसका क्या है पोजिशन ये है कि ये हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ये हॉस्पिटल का एक अटूट पार्ट है एक अटूट हिस्सा है, अगर उसको निकाल देते हैं तो हॉस्पिटल समझिए अधूरा हो जाएगा। बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं कि दवा की तुरंत ज़रूरत होती है, सुबह शाम दवाएँ मतलब पेशेंट को दी जाती है जहाँ पे पेशेंट क्या होते हैं हॉस्पिटलाइज रहते हैं एडमिट रहते हैं, तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी की बहुत अहमियत है, ये क्या है बहुत ज़रूरी पार्ट हिस्सा है किसका हॉस्पिटल फार्मेसी का। और क्या है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव क्लियरली डिफाइंड द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये कह रहा है कि जो कंपनी डेवलप्ड हैं जैसे US अमेरिका इन सब, तो उनके अंदर जो फार्मासिस्ट का रोल है जो काम है उसको क्या किया डिफाइन कर दिया गया कि ये काम ये कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें उनको क्या है उनके रोल को डिफाइंड नहीं किया गया है, यानी वो जैसा मन कर रहा है थोड़ा बहुत जो काम कर रहे हैं कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उनके काम को अच्छे से बताया नहीं गया कि तुमको क्या क्या करना है, तो इसका सिनेरियो हो गया। अब एक टॉपिक है आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इसका क्या मतलब है कि एक हॉस्पिटल फार्मेसी है तो उसको कैसे कैसे मतलब मिला के कैसे किन किन लोगों को मिलाया गया है और उसमें कौन कौन से मतलब अलग अलग क्या कहते हैं डिपार्टमेंट हैं, ये सब जब जानेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन कौन से ओहदे हैं किस किस के टाइप के लोग उसमें काम कर रहे हैं
और फिर वो क्या क्या अलग अलग ओहदे हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं, तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपना एक कॉमन सेंस लगा कि इसको याद करने की कोशिश करिए। तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल है तो उसका एक हेड होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा, उसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर है, ये इसका हेड है, सीईओ है। फिर उसके बाद अब उसके नीचे कई सारे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि मान लीजिए ओपीडी हो गया, इमरजेंसी वार्ड हो गया, ऐसे ही क्या कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया। तो अब इनके अलग अलग मतलब क्या होंगे, अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी सबको संभालेगा, बल्कि इसमें क्या करेगा कुछ लोगों को जिम्मेदार बना देगा। तो हमको अब इसमें ओपीडी नहीं पढ़ना, इमरजेंसी नहीं पढ़ना है, तो फिर वो क्या करेगा उसमें कुछ लोगों को ज़िम्मेदार बना देगा। तो वो फिर क्या करेंगे, पूरे नीचे वालों को कुछ ज़िम्मेदारियाँ देंगे, संभालेंगे, मैनेज करने का काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इस चार्ट की मदद से देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन है इसका हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो ये समझ लीजिए कि एक हॉस्पिटल है, पहले सबसे पहले ये समझिए कि क्या है एक हॉस्पिटल है, ठीक। एक हॉस्पिटल हो गया ये, अब उसको क्या है कुछ मतलब उसके जो जिम्मेदार हैं, जो भी चलाने वाले हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, ठीक। अब उनके अंडर में सारा कुछ देख रहेगा, तो उसमें इमरजेंसी वार्ड भी हो गया, ऐसे ही ओपीडी हो गया, ऐसे ही एक वार्ड उसमें होगा, एक डिपार्टमेंट होगा, वो क्या होगा हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक, हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया। अब हम लोगों को इससे कुछ नहीं लेना है, ना तो ओपीडी से मतलब है, ना तो हमको इमरजेंसी से मतलब है, कौन को संभालना, हमको किसके बारे में पढ़ना है हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसको कौन संभालेगा, इस तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है सबको आगे खुद तो नहीं संभालेगा, बल्कि अपना कोई आदमी रख देगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे जो आदमी होता है उसका हेड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं चीफ फार्मासिस्ट, क्या बोलेंगे चीफ फार्मासिस्ट। तो आप ये समझिए कि अब हॉस्पिटल फार्मेसी को कौन संभालने वाला है, चीफ फार्मासिस्ट, कौन संभालेगा चीफ फार्मासिस्ट। और फिर उसके अंडर में ये सब काम करेंगे, क्या होगा उसका सेक्रेटरी होगा, फार्मेसी स्टाफ्स होंगे, ऐसे ही कुछ फार्मेसी स्टूडेंट होते हैं वो भी जाएंगे, कुछ क्लर्क्स होते हैं, ठीक। अब इसके अंडर में और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एक हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, उसको कौन संभालेगा, तो उसको चीफ ऑफ फार्मासिस्ट संभालेगा, और उसमें और भी लोग उसके हेल्पर होंगे, उसके काम करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे, जिसको असिस्टेंट बोल सकते हैं, तो ये सारे लोग उसमें आ जाएंगे। कौन होगा उसका सेक्रेटरी होगा, यानी जो बहुत सारी मीटिंग्स होती है कैसे होती है उसको मैनेज करने का काम करता है। और फिर उसके अंदर स्टाफ्स होंगे जो बहुत सारे काम होते हैं, दवाओं को लाना, ले जाना, चेक करना, डिस्पेंस करना, उसको स्टोर करना, तो सब काम करने के लिए उसके स्टाफ्स होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने डिफार्मा कर लिया, तो अब तीन आप क्या करेंगे 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। ऐसे जो भी फार्मा वाले लोग हैं उनको क्या है 45 दिन की ट्रेनिंग लेनी रहती है, तो वो लोग भी जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्लर्क्स होते हैं जो मतलब हिसाब किताब करते हैं, पूरा पैसा वैसा कैसे आया, कितना कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, तो ये लोग भी होते हैं इसमें, ठीक। और भी जो हिसाब करने के लिए बाकी चीज़ें होती हैं वो सब करते हैं। अब इसमें कुछ अब डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, तो एक डिपार्टमेंट है उसमें क्या है डिस्पेंसिंग का, क्या है डिस्पेंसिंग, यानी दवाओं को जहाँ से डिस्पेंस किया जाएगा। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होगा क्वालिटी कंट्रोल का, यानी ये अलग अलग समझ लीजिए ओहदे होंगे, इस पर अलग अलग टाइप के लोग होंगे, ठीक। ऐसे ही होगा एक स्टोरेज का, एक उसमें डिपार्टमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग का, एक होगा क्लर्क, और एक होगा क्लिनिकल ट्रायल। एक इसमें डिपार्टमेंट क्या होगा क्लिनिकल ट्रायल, ये ट्रायल यहाँ से काट दीजिए उधर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये इतने डिपार्टमेंट हो गए। अब ये इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन आने वाला है कि अगर मतलब कोई फार्मेसी में जाना चाहता है तो उसको कितना मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए और क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक। तो अब ये समझिए डिस्पेंसिंग के लिए आपको क्या चाहिए, तो कम से कम मिनिमम जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए डी फार्मा का, बी फार्मा, एम फार्मा है तो सब उसके लिए चलेंगे, लेकिन मिनिमम डिग्री क्या होना चाहिए डी फार्मा। ऐसी क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो आदमी है क्वालिटी कंट्रोल को देख रहा है यानी दवाओं की क्वालिटी को, तो उसके लिए कम से कम क्या होना चाहिए एम फार्मा होना चाहिए। ऐसे ही स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए बी फार्मा किया हुआ या डी फार्मा किया हुआ है तो दोनों रह सकते हैं। असल में समझ लीजिए मिनिमम जो है वो डी फार्मा, उससे ऊपर वाले कोई भी आ सकता है स्टोरेज में। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में तो इसमें भी कम से कम एम फार्मा होना चाहिए। ऐसे ही क्लर्क वाला काम है तो उसमें क्या आदमी कौन रहेगा डी फार्मा वाला रहेगा। ऐसे ही क्लिनिकल ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है कोई दवाएँ आती हैं जैसे शुरू में तो उसको चेक किया जाता है इसका क्या साइड इफेक्ट है, कितना ये काम करेगा, कितना इफेक्टिव है नहीं है, तो ये ट्रायल होता है, तो उसके लिए कौन रहेगा, तो कम से कम डिग्री होनी चाहिए उसके लिए बी फार्मा की, ठीक। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि अगर पीएचडी हुआ किया हुआ कोई है तो वो सब में पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको सबसे पहले रखा जाएगा। एक टॉपिक और रह गया है, क्या
प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसकी प्रोफेशनल यानी अपना वो जो उसका पेशा है तो उसके तहत उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। एक बात समझिए कि इसमें ना आपने अभी कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ा होगा तो वहाँ पे उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब यहाँ पे भी वही रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बदलेगा नहीं, थोड़ा बहुत चूँकि हॉस्पिटल के अंदर है थोड़ा बहुत बदल जाएगा। ऐसे ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसका रोल क्या है, इसको आप देखेंगे अलग अलग तरीके से इतना घुमा के मतलब सिलेबस बनाया है कि दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा। एक ही बात को 50 तरीके से कहने की कोशिश की है, तो एक बार आप सिर्फ क्या है फार्मासिस्ट का रोल याद कर लीजिए तो आपके वो क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप उसको लिख दीजिए, वहाँ पर भी काम आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद लीजिए रोल में काम आएगा, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में काम आएगा, ऐसे ही FIP है वहाँ पे काम आएगा, और भी नाभ करके है NABH उसमें भी आपका काम आएगा। तो अलग अलग तरीके से मतलब उसी को घुमा के वो सारी बातें आएंगी। तो एक बार आप अच्छे से क्या करिए फार्मासिस्ट का जो रोल है जैसे कि मैंने कम्युनिटी फार्मेसी में भी पढ़ाया है उसको याद कर लीजिए, या यहाँ पे उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है ठीक है ना, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो लिख देंगे, मैं पढ़ाऊँगा सब, लेकिन आपको मतलब ये नहीं घबराना नहीं कि यार एक ही चीज़ बार बार आ रही है, तो उससे टेंशन मत लीजिए। जहाँ पर जो आपको समझ में आ रहा है एक याद कर लीजिए, उसी को ऐड करते चले जाइए ठीक है। जब वो 4-5 बार आएगा तो आपको रिपीट होगा तो दिमाग में और अच्छे से क्या होगा बैठ जाएगा ठीक। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो क्या है टू फॉलो दी हॉस्पिटल्स पॉलिसी एंड कन्वे अदर फॉर दैट। तो इसकी एक जिम्मेदारी ये भी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो खुद भी क्या है हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो करे और दूसरों से भी कहे कि तुम भी भाई इसको क्या करो कन्वे मतलब फॉलो करो, कन्वे करेगा उनको ठीक है, उनको मनवाएगा। दूसरा क्या है टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डोजेज एंड प्रिस्क्राइब्ड। ये कह रहे हैं कि जो डोजेज हैं जो दवाएं मतलब प्रिस्क्राइब की गई हैं तो इसमें जितना डोज कहा गया है उतना ही क्या करें इसकी कोशिश करें कि उतना ही मतलब पेशेंट को पहुंचे। ऐसा नहीं कि उसमें तो मतलब जो डोज कहा गया है कि आपको इसको 10 ml देना है आपने उसको क्या किया 15 ml दे दिया या 8 ml दिया, नहीं भाई मान लीजिए पिलाने वाली दवा है तो उसमें ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है डोजेज़ की, तो ऐसा करें कि मतलब जितना कहा गया है उतना ही डोज क्या है उसको पेशेंट को पहुंचे। ऐसे ही टू प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन एंड वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू न्यू स्टाफ्स और ऑफ न्यू ड्रग्स टू ऑल स्टाफ्स। ड्रग्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करेगा प्रोवाइड करेगा और उस दवा को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए उसके बारे में क्या करेगा इन्फॉर्मेशन देगा, कैसी दवा या तो वो नई दवा है यानी मान लीजिए कोई नई दवा आई तो उसके बारे में लोगों को बताएगा कि कैसे इसको मतलब हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे इसके एडमिनिस्टर करेंगे। और दूसरे अगर मान लीजिए या तो दवा पुरानी है लेकिन स्टाफ नया है जिसको पता नहीं है तो उनको बताएगा कि ये दवाएं जैसे मान लीजिए आप हैं अभी पढ़ के गए आपको तो पता ही नहीं अच्छे से अभी तो आपको भी बताएगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि कहे कि तुम क्या पढ़ के आए हो 3 साल लगा के आए 2 साल लगा के आए तुमको कुछ पता ही नहीं है उठ ऐसे चले आए बिना पढ़े, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको बल्कि ये कि समझाना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें वो पढ़ के थोड़ी आए किताबों में कि दवा कैसे मतलब लगाएंगे उसको एक्सपीरियंस थोड़ी अभी इतने अच्छे से। ऐसे ही टू रिमेन अपडेटेड अबाउट न्यू ड्रग्स, उसकी एक जिम्मेदारी यह भी है कि जो नई दवाएं आ रही हैं उसके बारे में वो अपडेट रहे कि मतलब ये कोई मतलब हो सकता है कि पुरानी जो दवा कोई ऐसी चल रही है जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन नई रिसर्च के बाद एक नई दवा आई जिसका साइड इफ़ेक्ट कम है तो वो वाली दवा लानी चाहिए उसकी जगह पर ठीक है। और क्या है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग्स। ऐसे कह रहे हैं कि जो मतलब बहुत सारी दवाएं ऐसी होती है जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं तो उसको मतलब क्या कहते हैं इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसमें मतलब खुद दवा नहीं खानी पड़ती है पेशेंट को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दवा खुद पेशेंट खाता है लेकिन घर वहाँ पर खा रहा है वो खुद एडमिनिस्टर कर रहा है तो उसको क्या करेगा अच्छे से समझाएगा कि कैसे दवा को लेना है। ऐसे ही टू टेक पार्ट्स इन न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे ही कुछ नई रिसर्च हो रहा है नई तहकीकात हो रही हैं नई खोज हो रही है तो उसमें भी क्या करना चाहिए इसको हिस्सा लेना चाहिए और डेवलप और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डेवलप करने में भी क्या इसको करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए। और क्या है टू एजुकेट एंड मेक ट्रेंड दी फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स आर टेकिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऐसे कह रहे हैं कि जो मतलब स्टाफ्स हैं अगर वो अनट्रेंड है अभी नए नए आए हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं आपके यहाँ आके तो उनको क्या करिए आप अच्छे से एजुकेट करिए पढ़ाइए, ये भी क्या है एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।